Platform of the New Indian Express Group for fearless dialogue and debate. Today we have a special guest, Mr. Trivendra Singh Rawat, a dynamic chief minister of tiny state Uttarakhand. Trivendra ji, aapka Prabhu Chawla ki sachi baat mein bhi swagat hai. Hindi mein bolenge aap, angrezi mein bolenge, ye faisla aapne karna hai. Ji, hindi mein bolenge. हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, अपनी राष्ट्र भाषा में बोलेंगे, उसी में बात करेंगे। हम सब लोग कोविड की दुनिया से गुजर रहे हैं, आपके यहाँ क्योंकि पावन भूमि है, देव भूमि है, वहां पर भी आज मैं देख रहा हूँ कि काफी संख्या केसेस की बढ़ गई, लगभग 5300 केसेस हो गए हैं आपके यहाँ। अब क्या लगता है कि इस तरह की जहाँ पर पवित्रता है, एनवायरमेंट ठीक है, वहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इफेक्ट हो जाना चिंता का विषय है, इसको कैसे ले रहे हैं आप? देखिए चावला जी, बहुत इसको तो गंभीरता से ही लेना होगा और सरकार ने शुरू से इसको गंभीरता से लिया भी है, लेकिन ये सच है कि अभी अचानक हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री में अचानक बहुत केस सामने आ गए। कारण ये था कि वो वहां का एक कर्मचारी अपने प्रदेश में विवाह समारोह में गया, वहां से इन्फेक्ट होकर आ गया और ये सिम्प्टोमेटिक होने की वजह से किसी को कोई खबर नहीं लग पाई और वहां पर एक के बाद एक एक ही दिन में लगभग 200 से अधिक पेशेंट वहां पर जब टेस्टिंग किया गया तो 200 से अधिक एक साथ वहां पर पेशेंट आ गए और उस पर अचानक जब और चेकिंग किया गया तो लगभग कुल मिलाकर 450 केस एक साथ आ गए एक दिन में। एक व्यक्ति की वजह से 750 केस हो गए और एक व्यक्ति से दूसरा ऐसे ऐसे ही होता है, कोविड में तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही चलता चला गया जी। लेकिन अगर आप देखें कि अगर हम थोड़ा हरिद्वार को छोड़ दें, देहरादून को, तो ऊपर पर्वतीय जनपद हमारे आज भी इससे, दो जनपद तो हमारे एकदम मुक्त हैं, इससे कहना चाहिए मुक्त हो गए हैं और इसका मुख्यतः जो स्प्रेड होने का कारण है वो जो लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं, लेबर हमारी बाहर से आती है, लोकल लेबर बहुत कम है, तो एक बड़ी वजह है। लेकिन उस उद्योग को अगर हम किनारे कर दें तो आज हमारे यहाँ या कल हमारे यहाँ काफी कमी उसमें फिर आई है, सुधार हुआ है। लेकिन हाँ, ये सच है कि हमको पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी, जिस तरह की ये महामारी है ऐसे में हमको तैयारियां पूरी करनी पड़ेंगी, जिस तरह से जो विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं इसके बारे में, जिस तरह से दुनिया में हालात हो रही है उस दृष्टि से हमने तैयारी की है, हमने आईसीयू की अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने आज हमारे आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं, वाईपैप हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने हम ऑक्सीजन पाइप के थ्रू ऑक्सीजन की हमने व्यवस्था की है, जो कोविड केयर सेंटर है हर जिले में हमने एक एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड के लिए बनाया है, ऐसी लगभग 25,000 से अधिक बेड हमारे पास कोविड केयर सेंटर में हमने तैयार किए हैं। तो उस दृष्टि से हम लोग जिस तरह इसका विस्तार हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो उस दृष्टि से हमने काफी तैयारी हमने की है और ये मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से पीक आएगा। और आपको लगता है कंट्रोल में आ गया है या अभी पीक इसका आना बाकी है आपके स्टेट में? देखिए पीक आना बाकी है, अभी लगता काफी केसेस बढ़ने वाले हैं, आना बाकी, अभी लगभग हमारे पास 2000 के करीब पेशेंट हमारे पास एक्टिव पेशेंट हमारे पास है, टोटल 5000 से कुछ अधिक पेशेंट हमारे यहाँ पर है, लगभग 3500 ठीक हो गया। तो हम ये मानकर चल रहे हैं और जो विशेषज्ञों की जो राय है उनकी, जब उनके बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी पीक नहीं है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण वही है कि लोगों को जो आए हैं, जो छुपे हुए हैं, टेस्ट नहीं करा रहे हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने काफी सुविधाएं बना दिए हैं, हॉस्पिटल भी तैयार कर दिए, तो इसको रोकने में आपने लॉकडाउन भी बहुत किया है, मूवमेंट भी रोक रखा है, तो फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, इसका मतलब लोग क्या सामने नहीं आ रहे, छुप रहे हैं क्या? देखिए छुपने जैसी वाली तो बात अब नहीं है, लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और सिम्टम्स नहीं आने के कारण उनको लगता है कि वो ठीक है, वो स्वस्थ है। जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, तो तब ये चीजें सामने आ रही हैं। हम ट्रेसिंग के आधार पर कोई पेशेंट हमको मिल गया, ट्रेसिंग के आधार पर जब हम ढूंढ करते हैं किस किस को मिला, फिर उनको हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, तो तब ये
पता चल रहा है कि ये कोविड पेशेंट है। मुख्यमंत्री जी, आप मैंने देख रहा था कांग्रेस वालों का बयान देख रहा था, कह रहे थे कि आपके यहाँ उतनी तैयारी नहीं है, जितने टेस्ट बाकी देश में हो रहे हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर, आपके टेस्ट उतने नहीं है, आपके वेंटिलेटर भी कम है, बेड्स भी कम है, ये क्या सच है क्या? मेरे को क्योंकि आपकी फिगर्स नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे पास इस समय 35,587 बेड्स तैयार हैं, बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और हमारे पास जो टोटल पेशेंट हैं अगर हम उनको देखें तो जो अभी तक संक्रमित हुए 5,547 हैं, जिनमें से 3,430 ये स्वस्थ हो गए, और सक्रिय केस हमारे पास 2,017 है। 22,000 बेड फालतू हैं आपके पास, अभी भी खाली पड़े हैं। बिल्कुल 22,000 बेड, 22 नहीं 23,000 बेड हमारे पास अभी भी खाली पड़ी। और वेंटिलेटर कितने हैं? वेंटिलेटर हमारे पास आज हैं ये 294 आईसीयू बेड हमारे पास 294 है, और वेंटिलेटर हमारे पास 249 है, 250। तो वेंटिलेटर की आवश्यकता तो अभी बहुत रेयर केस में है, और अभी जो जब हम विशेषज्ञों की राय देख रहे हैं तो उनका कहना है कि वेंटिलेटर नहीं, हमको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करना चाहिए। ये भी एक मुख्यमंत्री जी मैं एक बात रोक रहा हूँ, सॉरी क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि इतने सारे बेड बना रहे, सारे हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ कि कंपटीशन हो रहा है कि बेड्स बनाते चले जाओ, जबकि कैसे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 25,000 आपके बेड हैं, उसमें 23,000 खाली पड़े हैं, दिल्ली के अंदर 15,000 खाली पड़े हैं, कई और स्टेट्स के अंदर सब मिला के सारे देश के अंदर कम लगभग जितने केसेस नहीं है उससे डबल बेड खाली पड़े हुए हैं। तो लगता नहीं है कि प्रिवेंशन जो है, लोगों को मास्क पहनाना, उनको सैनिटाइज करना, उसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए था, जो आपके यहाँ नहीं हुआ अभी तक, किसी स्टेट में पूरी तरह से लागू नहीं किया, लोग मानते नहीं है। नहीं, चावला जी आपने बहुत बहुत ही अच्छी बात कही है, और एकदम जो सटीक बात हमें कह सकते कहना चाहिए, अमेरिका ने अभी तक मास्क के लिए अनिवार्यता नहीं की है, और वहां के परसों वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मास्क पहनने के लिए नहीं कहूंगा, जबकि सच ये कि प्रिवेंशन ही बेटर है। जो लोग सतर्कता और सावधानी बरत लेंगे वो हो सकता है। हमने अपने राज्य में मास्क को अनिवार्य किया है, और जो जिन्होंने नहीं पहने उनको हमने मास्क क्वांटिटी में हमने उनके चालान किए हैं, उनसे हमने शुल्क उनसे ऋण वो दंड वसूला है, लगभग हमने 8 करोड़ से ज्यादा का दंड हमने अभी तक इससे वसूल किया है। हमने जो लोग छुपाते हैं उन पर हमने कहा हम 307 आप पर धारा 370 हम आप पे इन्फोर्स करेंगे, अगर उसके कारण किसी की डेथ होती तो 302 में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमने काफी सख्ती की, और हमारे राज्य के लोगों ने इसमें हमको समर्थन किया है, सहयोग किया है कि आप और सख्ती करिए और इसको रोकिए। तो हमको पब्लिक का भी सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस क्या कह रही है मैं उसके बारे में बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे राज्य में जब मैं मुख्यमंत्री बना था 1,084 डॉक्टर थे, आज मेरे पास 2,500 डॉक्टर हैं। मेरे पास समय मेरे जिला अस्पतालों में कहीं भी आईसीयू नहीं था, आज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक जगह नहीं कई जगह तो दो दो तीन तीन जगह हमने आईसीयू और वेंटिलेटर लगाए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, हमने भी 700 डॉक्टर्स की हमने भी और वैकेंसी निकाली है, 1,000 हमने नर्सेस की अभी वैकेंसी हमने निकाली है, तो हम स्टाफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह की स्थिति है राज्य में, हमारे पास पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं और प्रशिक्षित डॉक्टर हैं जिन्होंने कोविड के लिए विशेष जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है। मुख्यमंत्री जी आपका कहना यह है कि तैयारी आपकी पूरी है, पर लोगों को सहयोग जितना देना चाहिए उतना दे नहीं रहे हैं। पब्लिक का सहयोग तो मिल रहा है, पब्लिक ने कहीं पर भी रेसिस्ट नहीं किया है, कहीं पर भी जब हम कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, हम कहीं पर उसको सीज करते हैं, उसको लॉकडाउन करते हैं, तो पब्लिक ने हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब राजनीतिक कारण है उनके बारे में, अब राजनीति चल रही है तो भी चला रहे हैं। नहीं, राजनीति देखो एक बात और जो मेरे को जो पढ़ा है मैंने, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। जी जी, आपका प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर जो आपकी पॉलिसी है क्वारंटाइन की, वो डबल पॉलिसी है। एक तो जो बाहर से आता है 7 दिन के लिए या जो होता है वो 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देते हैं आप, उसके बाद 14 दिन के लिए घर में कर देते हैं, तो 21 दिन के लिए अगर आप रखते हैं उसके बाद भी 5,000 केस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लोगों को आएगी, लोग आएंगे नहीं आपके यहाँ कोई भी, इसका फर्क नहीं पड़ता इतना बड़ा आपका प्रदेश 2 बार क्वारंटाइन करना, ये कौन से एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया होगा, मेरे समझ नहीं आता के पीछे क्या है, कोई स्टेट ऐसा नहीं है। आपको बताएं हमने शुरुआत में किया था बीच, मतलब
बीच के दौर में जब यहाँ पर पड़ा था केस, क्योंकि शुरुआत में तो यहाँ एक बार हम बिल्कुल ये स्थिति हो गई थी कि अब दो चार दिन में हम फ्री हो जाएंगे। देखिए जैसे ही हमारे लोग जो देश के अन्य राज्यों से यहाँ पर आए, एनसीआर से बड़ी संख्या में लोग आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, उसमें लगभग हमारा 20% व्यक्ति कोविड पॉजिटिव निकल कर आया, वो जो केस जो बाहर से आया जी। और इसलिए हमने ये सोचकर कि लोग क्या स्थिति बनती है, कहा जिस तरह से संख्या बढ़ रही है तो लोगों को क्वारंटीन किया जाए तो लोग स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। हमने अपने प्रभु जी हमने अपने जितने भी हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, जो हमने उसमें जो भी पेशेंट वहां पर रहेगा तो उसको 15 आइटम है जो हम उसको घर के लिए देंगे, उसको बाद में तो अपने घर लेकर जाए, तो हमने उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मतलब देहरादून का कोविड सेंटर है हमारा, आपका गैरसैंण का है हमारा, जो हल्द्वानी में हमने अभी 500 बेड, अभी 5-6 दिन पहले पिछले हफ्ते हमने निर्णय लिया पिछले सैटरडे को कि वहां पर हम 500 बेड और बढ़ाएंगे, बहुत बेहतर व्यवस्था हमने वहां पर उनकी की है। डबल डबल मेरे को नहीं समझ, डबल क्वारंटाइन करने के पीछे क्या फायदा क्या है, क्या है? एक बार घर जाकर जैसे बाकी प्रदेशों में सब घर में क्वारंटाइन कर देते हैं, दिल्ली में किया सबसे ज्यादा, आपके यहाँ घर में भी, और गाँव में लोग इतने अवेयर हैं जब कोई जाता है बाहर से ना कहते मानव बम आ गया ये मनोबम आ गया, साइकोलॉजी लोगों की इच्छा है ये, लोगों का हमारे ऊपर एक तरह से कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दबाव है हमारे ऊपर। जैसे हम किसी को हमने भेजा, उन्होंने कहा साहब हम तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, आपने यहाँ भेज दिया, हमने कहा भाई कुछ दिन क्वारंटीन में रहेगा, तो लोगों ने कहा तब ठीक है। तो ये कितना खर्चा आपका हो गया कोविड के ऊपर, छोटा सा स्टेट है? देखिए मुझे लगता है अभी हमारा अभी तक मुझे लगता है कि अभी 100 करोड़ से नीचे ही नीचे है टोटल। और आपका रेवेन्यू कम हो गया होगा? रेवेन्यू में तो काफी कमी आई है, लेकिन कितने 50% से ज्यादा, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का हमको अभी तक स्टेट को लॉस हुआ है, जो हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ है। इसका मतलब ये हुआ मुख्यमंत्री जी, कोरोना और विकास की लड़ाई में अभी कोरोना आपके ऊपर हावी है? निश्चित रूप से, इस कहने में कोई मुझे इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये मेरे ऊपर ही नहीं है, मेरे राज्य के ऊपर ही नहीं है, सारे देश में, सारे देश और दुनिया में हालात पैदा हुए हैं। तो इसका विकास वहां पर, क्योंकि आपका स्टेट टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, वहां से बाहर लोग से आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार परेशानी होती है, जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो कैसे स्टेट आगे बढ़ेगा, विकास कैसे उसके लिए? भारत सरकार ने हमको मदद किया है, 15 फाइनेंस कमीशन ने भी हमको मदद किया है, इसलिए हमने कहीं पर भी इस तरह की कोई कटौती नहीं की है अभी तक, हमने डेवलपमेंट के कार्यों में कोई कटौती अभी तक हमने नहीं की है, और हम चाहते हैं कि हमारा प्रबंधन इस तरह से हो कि हमको कम से कम जो विकास के कार्य है ये हमारे अवरुद्ध न हो। ठीक है एक प्रायोरिटी है कि भाई हमको कौन सी प्राथमिकता देना है, लेकिन विकास के कामों पर अभी तक हम लोगों ने किसी तरह से अभी तक हम प्रभावित नहीं हुए हैं, और जो जिस तरह से चलते हैं वो चल रहे हैं। हाँ अगर कोई बाधा है तो कोविड के कारण जो हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर बाहर से आते थे, बिहार से, झारखंड से, इमिग्रेशन उत्तर प्रदेश से, तो लेबर के हमारे पास निश्चित रूप से कमी है, उसके कारण फुल कैपेसिटी में जितनी तेजी से काम होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जैसे ऑल वेदर रोड का काम है, भारतमाला परियोजना का काम है, रेल का काम है, इसमें कोई गति में कोई कमी नहीं आई है, इसमें हमारा काम बराबर चल रहा है। एक बार मैं देख रहा था कहीं आपके यहाँ एक थोड़ी और समस्या भी है, क्योंकि आपके लोग देहरादून से नैनीताल जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता है उनको रास्ते में, तो खबरें ऐसी छोटे छोटे अखबारों में छपती हैं कि वहां पर आपके स्टाफ या लोग परेशान बड़े होते हैं, क्योंकि आपका स्टाफ वहां पर उनका चेक करता है दोबारा से, करप्शन के केसेस सामने आते हैं, हैरेसमेंट के केस सामने आते हैं, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। और आपको मैं बता दूं कि हैरेसमेंट जानबूझकर कोई नहीं है, अगर क्या होता है कि लोग आते हैं बाहर से, वो कहते हैं साहब हम दिल्ली से आ रहे हैं, हमको रास्ते में किसी ने रोका नहीं, यहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही है। अभी हमारे सख्त निर्देश हैं कि बॉर्डर्स पर चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। देहरादून से जो नैनीताल जाएगा वो भी तो यूपी से होकर जाएगा, यूपी में जाते हैं, लेकिन इस यूपी की में कोई दिक्कत होती होगी तो हमारे पास तरीके कोई बात नहीं आई है, शुरुआत में एक बार बात आई थी तो हमने बात कर लिया था, तो फिर उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को जिनको जाना होता था फिर उन्होंने भी बंद कर दिया था, लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आई थी, कुछ दिन दिक्कत आई थी,
लेकिन अब तो हमारे पास इस समय इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो दूसरे स्टेट के गाड़ियों के नंबर होते हैं और वो उनके वो रहते उत्तराखंड में है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, होती होगी, लेकिन हमने उसके लिए 1905 हमारा एक नंबर है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का और उसपे इमीडिएट एक्शन होता है और हम जो शिकायत करता होता है जब तक उसकी संतुष्टि नहीं होती तो हम समाधान नहीं मानते। ये इसकी खासियत है इस नंबर की कि जब तक वो नहीं कहेगा कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ वो शिकायत समाप्त नहीं होती। एक बात और, इंडस्ट्री आपके यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लोग भी हैं पर इंडस्ट्री वालों को लगता है, मेरी बात हुई है लोकल इंडस्ट्री से जो दिल्ली में भी रहते हैं, इंडस्ट्री का हाल बहुत खराब है वहां पर इस वक्त, देख रहे होंगे आप भी पहले भी कहा, उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं, कंसेशन हैं जो आप अपनी तरह से सोच रहे हैं देंगे या दिए हैं? उनको लगता है अभी तक केंद्र सरकार ने भी बहुत कम किया है और आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास साधनों की कमी होगी या कुछ करने की, इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव करेंगे क्योंकि आप डिपेंड, टूरिज्म आपका खत्म हो गया एक्सीजन पूरा का पूरा, और इंडस्ट्री भी अगर खत्म हो जाती है तो उसके लिए कुछ आपने सोचा है कि इंडस्ट्री के लिए हम एक इंसेंटिव करेंगे या कुछ करेंगे? प्रभु जी ये दौर है और ये दौर भी निकल जाएगा, निश्चित रूप से निकलेगा, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। इस दौरान नुकसान हुआ है, उद्योग को नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, सरकारों की भी जो रेवेन्यू थे वो भी उनमें भी भारी नुकसान हुआ है। उसके बावजूद हमने ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई सरकार का ध्यान आपकी तरफ है, जो इंडस्ट्री की शुरू में डिमांड थी कि डेफर कर दीजिए, जो फिक्स चार्ज है उसको उसको माफ कर दीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए, तो हमने उसको समाप्त किया। हमने, हमारे पास 225,000 लोग ऐसे थे कि जो पर्यटन के क्षेत्र में कोई ड्राइविंग का काम करता था, किसी होटल में कुक था, कोई वहां पर और काम करता था, ऐसे 225,000 लोगों के लिए हमने कहा भाई हम हमारे ध्यान में हैं आप। हमने उनको थोड़ा थोड़ा राशि भेजी लेकिन हमने उनको ये जरूर कहा कि और उनको महसूस हो कि सरकार की निगाह हमारी तरफ है। हमने इस बीच में 10,000 जो बाइक टैक्सी हैं उसकी हमने नीति लाए और हमने कहा 2 साल का इंटरेस्ट स्टेट देगी, राज्य सरकार आपकी सरकार 2 साल का इंटरेस्ट देगी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, केवल मूलधन आपको देना है। इस तरह की योजनाएं हम लाए हैं। अभी हमने 25-25 किलोवाट की सोलर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जिसमें हमने 25-25 किलोवाट की छोटी छोटी जो कहना चाहिए कि यूनिट उसके लिए हमने निकाला है, 10,000 लोगों को हम ये यूनिट देंगे। हमने स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य में लागू किया जिसमें हमारे हमने जिला योजना का भी 40% बजट स्वरोजगार में हमने लगा दिया और अब यहाँ के समाचार पत्र लिखने लगे हैं कि जो लोग बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियों में थे, पढ़े लिखे लड़के हैं, आज जो गांव में आकर बहुत अच्छे तरीके से खेती का काम कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान है उनकी तरफ, हमने जो हमारे कलाकार हैं उनकी तरफ हमने ध्यान दिया, उनको भी हमने थोड़ा थोड़ा पहुंचाया, हमारी आशाएं हैं, आंगनबाड़ियां हैं उनको भी हमने थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास व्यवस्था है उस हिसाब से हमने दिया, निगमों को भी हम जो हमारे निगम है, परिवहन निगम है, यात्रा है नहीं, यात्री है नहीं, तो उनको भी हमने कोशिश की है कि हमने जी आप काफी सुधार कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं। मेरे को एक देखा कि आपने अभी भी उत्तराखंड जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट भी रिफॉर्म एक्ट पास किया है, महिलाएं जो वहां पर हैं उनको उसके अंदर कोई उनका ओनरशिप राइट्स भी बनेंगे, पर आपको इतने साल लगे क्यों उसको, जो 90% सारा काम वेमेन करते हैं उत्तराखंड के अंदर, देखिये इकोनॉमी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर खेती के नाम पे पुरुष, अगर हम थोड़ा मैदानी भाग को छोड़ दें जहाँ बहुत बड़ी खेती है, पहाड़ों में तो छोटी खेती है, पुरुष का काम एक बार खेतों में हल चलाना, बीज डाल देना, उसके बाद उसका काम सामान्यतः समाप्त हो जाता है, बाकी सारा काम महिलाएं करती हैं क्योंकि हमारा पुरुष वर्ग नौकरी के लिए राज्य से बाहर ज्यादा रहता है, वो तो खेती के सीजन के समय आता है 20-25 दिन की छुट्टी या 10 दिन की छुट्टी अपने खेत करके चला जाता है। हमारे यहाँ जमीनें गोल खाते की जमीन है, यानी कि एक हमारा अगर 100x50 फुट का भी खेत है तो उसमें हो सकता है कि 20 मालिक होंगे उसके ऑन रिकॉर्ड, तो और इस वजह से हमारी जो महिलाएं हैं जो सारा काम करती हैं, इंडस्ट्री गांव में कोई करता नहीं है, वो पूछते नहीं चली आती है कि उनके दादाजी कितने बच्चे हुए, उनके बच्चों के कितने बच्चे हुए,
वो सब उसके सामूहिक रूप से उसके मालिक होते हैं। तो इसके कारण काफी टाइम लगा ना उनको राइट्स देने में आपको क्या? हाँ निश्चित रूप से इसमें देखिए चीजें तब आते हैं सामने जब हम लोगों ने फोकस किया। हमने 1,00,000 रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया, हमने 3,00,000 रुपए तक का ऋण आज हम बिना ब्याज का दे रहे हैं, 3,00,000 तक का ऋण बिना ब्याज का। और समूह में अगर कोई कर रहे हैं तो 5,00,000 रुपए का ऋण हम बिना ब्याज के आज अपने लोगों को दे रहे हैं। तो तब ये चीजें सामने आई कि भाई महिलाएं हैं गाँव में काम करना चाहती लेकिन उनको बैंक से लोन कैसे मिले। जब कोई चीज समस्या सामने आती है तो तब उसका समाधान ढूंढना चाहता है। जब ये समस्या हमारे सामने आई तो हमने पब्लिक से भी पूछा, महिलाओं से भी पूछा और हमने फिर उसको आपका स्टेट जो है तो छोटा है, सुंदर प्रदेश है, सब कुछ है, वहां पर टूरिस्ट आ सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, स्विट्जरलैंड की तरह पहले कश्मीर होता था पर अब उत्तराखंड हो सकता है। अभी आपने चार धाम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखी मैंने, आई है क्योंकि टूरिज्म के आने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम बनाई थी रिहेबिलिटेशन, जो कि वहां पर आपदा आई थी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई अभी पूरी तरह से, उसमें पैसा पूरा नहीं खर्च हुआ। उस चार धाम रिपोर्ट के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन लोगों ने उठाए हैं, आपने देखा होगा, तो उसको आगे कैसे ले जाएंगे आप? देखिए हम लगातार क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं ये एनवायरमेंट पे फर्क पड़ेगा ना उसका, जो भी एनजीटी से संबंधित। देखो प्रभु जी एक बात मैं बड़े खुले दिल से बोलता हूँ, मैं एक दो बातें कहता हूँ कि उत्तराखंड वालों को दो चीज नहीं सिखानी चाहिए, एक तो पर्यावरण, दूसरा देशभक्ति। ये वो इतने जेहन में है जहां की माँ ये बोलती होगी बेटा शहीद बेटा घर में आता है वो कहती मैं अपने बेटे के बेटे को भी सेना में भेजूंगी, ऐसे पचासों उदाहरण है जो ऐसा बोलती है। पर्यावरण ये जंगल बचे हुए हैं अगर तो ये यहाँ के लोगों की वजह से बचे हुए हैं, यहाँ के लोगों ने उन जंगलों को बचाने का काम किया है इसलिए यहाँ के जंगल बचे हुए हैं। आरोप तो यहां तक लगा दिया ये पर्यावरण बिगड़ने की चीन के लिए सड़क बना रहे हैं बॉर्डर की सड़क, ये चीन का पैसे चीन से लोगों ने पैसा ले लिया है। तो ये मैं उनसे ये कहता हूँ ये हरा कपड़ा सिर में बांध के तुम पर्यावरण बिल नहीं होगे भाई, यहाँ की समस्या भी समझिए, यहाँ की जरूरत भी समझिए, हमारे सीमाओं की आवश्यकता भी समझिए, हमारे सेना की भी आवश्यकता समझिए। आप ये देखिए कि उत्तरकाशी तक डबल लेन सड़क बन गई, उत्तरकाशी से आगे ढाला तक डबल लेन सड़क बन गई, सॉरी बीच का पैच छोड़ गया वहां से आगे डबल लेन बन गई, बीच में साहब सड़क नहीं बनेगी, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 71.3% उत्तराखंड में फॉरेस्ट एरिया है, 71.3। मैं दिल्ली का पर्से करेंगे अगर आप फॉरेस्ट 71 है, टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए, अच्छे होटल होने चाहिए, बाहर के लोग आकर के अच्छी जगह रहे वहां पर आकर के, तो उत्तराखंड के अंदर टूरिज्म पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग टूरिज्म भी तो होना चाहिए, वहां पर नहीं हो रहा है, पर्यावरण वाले हावी हैं, जब आप लोग अपनी बात अपनी जोर से कह नहीं पा रहे ऐसा लगता है। नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ शौकिया पैदा हो गए हैं पर्यावरण में, उनका फैशन हो गया उनके लिए। बाहर के लोग हैं क्या अंदर के हैं? ज्यादातर लोग तो बाहर के भी हैं अंदर के भी हैं, अंदर के कम है, बाहर के लोग कुछ ज्यादा हैं, उनको ज्यादा उत्तराखंड की चिंता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बड़ा रिसर्च का विषय भी देखना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसा इतना उत्तराखंड के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आज हमारी आज बाधाएं दूर हुई हैं। अभी चार दिन पहले तो हमारी ये सड़कों की जो बाधा थी वो दूर हुई। आप प्रभु जी ये देखिए कि दिसंबर 2017 में ऑल वेदर रोड का काम शुरू हुआ और लगभग 32 महीने हो रहे हैं, अभी 32 महीनों में 27 महीने या तो काम बाधित रहा या बंद रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बहुमत से जो फैसला होगा वो माना जाएगा। जिनको उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया उन्होंने बहुमत को एक किनारे करके और रिपोर्ट दी नहीं, 3 महीने तक दबा के रखी अपने पास। और अब सुप्रीम कोर्ट जी उसको कैसे हल करेंगे आप? नहीं तो आगे जल्दी से कैसे बनाएंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट का है तो उनको देना ही पड़ेगा। अब उन्होंने दिया है भी 3-4 दिन पहले अंतरिम रिपोर्ट दी है, सुना एक अलग से उन्होंने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि साहब मेरी राय ये है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि आप बहुमत से फैसला करेंगे, 21 लोग एक साथ थे, 4 लोग एक साथ थे, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनको ना बहुमत की कदर है ना सुप्रीम कोर्ट के
वो सपोर्टाइज कर रहे हैं आपके विकास को, मतलब निश्चित रूप से सपोर्टाइज कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट को वो। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी चीज हमारी जो पड़ोस के जो राष्ट्र हैं, या मैं सीधा कहूं तो सामरिक दृष्टि से देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है उसको रोकने का, उसको रोकने का प्रयास हो रहा है आपको लगता है उसको रोकने। मेरा एक बात है, चाइना जो चाइना का इतनी इन्वेस्टमेंट है उत्तराखंड में, पावर सेक्टर के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रॉ मटेरियल में है, मेडिसिन में है, अब चाइना की इन्वेस्टमेंट जैसे बंद होती चली जाएगी, आपके यहाँ तो वो प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसी बात भी हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखिए लगभग जो 20% दवाइयों का जो निर्यात होता है भारत में, वो 20% उत्तराखंड से होता है जी। हमारे यहाँ अच्छी फार्मासिटी अच्छा काम कर रही है, और लॉकडाउन के बावजूद भी हमारी ये इंडस्ट्री हमने कभी बंद नहीं की, उसके लिए हमने विशेष व्यवस्थाएं की। अभी भी हमारी जो फार्मास्यूटिकल है इंडस्ट्री है वो अच्छा काम कर रही है। ये सच है कि काफी केमिकल हमारा चाइना से आता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मनिर्भर होंगे, कब तक दूसरों पर निर्भर करेंगे? हम तो इसी को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ये भी संदेश है कि अपना पैरों पर खड़ा होइए। मेरे को एक बात आपसे पूछनी, क्योंकि आपके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आपने पिछली बार भी बाघों को मारने के लिए गुफ्यू टेड ऑर्डर कर दिया था, 70% आपकी जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जैसे अफ्रीका होता है, तो लैंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इतनी ब्यूटीफुल जगह है, वहां पर आते हैं लोग, सैलानी लोग आएंगे, तो इसको दूर करने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक को थोड़ा प्रशिक्षित किया जाए, वो जो वन्य जीव हैं उनको अपना शत्रु ना समझे, अगर वो सामने आते हैं तो हमको कैसा बिहेव करना है। और इस विषय पर हमारी डिस्कशन हुई है और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा प्रशिक्षित करें कि भालू सामने आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए, अगर लेपर्ड सामने आता है तो हमको क्या करना चाहिए, या अन्य जानवर कोई, 3-4 ही जानवर ज्यादा हिंसक होते हैं, टाइगर सामने आ जाए हमको क्या करना चाहिए, उनको लेकर के प्रशिक्षण की बात हुई है। कुछ जो हमारे कई बार क्या होता है, जो पशु बहुत बूढ़े हो जाते हैं वो दौड़ नहीं सकते, वो शिकार नहीं करते, फिर वो आसान शिकार करते हैं, गांव के नजदीक आ जाते हैं शाम सवेरे जब कोई बाहर निकला होता है या बाहर बैठा होता अपने घर के आराम से, उस समय उसको झपट ले जाते हैं। सामान्य जो घटनाएं होती हैं वो शाम संध्या के जब सूर्य ढलता है अंधेरा होने का होता है उस समय सामान्य ज्यादा अटैक है, उसके ऊपर कोशिश हो रही है आप रोकने की थी। उसके लिए हम उसके लिए हम अभी एक योजना ला रहे हैं कि हम हर गांव को स्ट्रीट लाइट, गांव में भी अभी तक गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी नहीं है हमारे यहाँ, कहीं भी नहीं है, अब हम उसके लिए ला रहे हैं कि हर गांव में हम स्ट्रीट लाइट दें जिससे कि रोशनी रहे तो ये जो लेपर्ड जो अटैक करते हैं उससे बचा जा सके। दूसरा लोगों को अवेयरनेस और प्रशिक्षण का काम वो हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा बात, अभी अब अगले 2021 में वहां पर कुंभ मेला होने वाला है जैसे प्रचार चल रहा है, पर कई लगे जब मैंने अखबारों में पढ़ा है कि विरोध भी हो रहा है उसका कि वहां नहीं होना चाहिए, आपके यहाँ पूरे फैसिलिटीज नहीं है, तो आप क्या लगता है कि आप करा पाएंगे उसको? देखिए विरोध तो नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन कह सकते हैं, कुछ लोगों की राय यह है कि इसको अगले वर्ष करना चाहिए, लेकिन ये तो एक परंपरा है जो चलती आ रही है, परंपरा है उसका, एक अमृत की बूंदें जिस समय गिरी थी उस हिसाब से, लगन के हिसाब से होता है, और उसमें निर्णय अखाड़ा परिषद जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है वो लेता है। तो साधु संतों से मेरे भी 3 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी हमारी, लगातार उनसे संपर्क है, और सभी साधु संतों का ये कहना है कि कुंभ तो होना चाहिए, हमारा भी ये कहना है कि कुंभ होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या हो, ये हमको कोविड का प्रभाव क्या होता है अगली जनवरी तक उसके हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ अब रिव्यू करेंगे आप जनवरी में, रिव्यू करेंगे, पर तैयारी करनी पड़ी बहुत बड़ा फर्क, बहुत उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये सब बनाना, अभी आप वहां पर मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, वहां पर जो खर्च होना चाहिए था इतना पैसा मोदी जी सरकार ने दिया वो पूरा खर्च नहीं हुआ, तो ये कुंभ के लिए तो कई पैसे चाहिए, उसके लिए तैयारी आपने बंद तो नहीं की ना तैयारी? काफी पैसा लगता है, पैसा बजट हमने प्रोविजन किया है, जो स्थायी नेचर के काम हमारे सारे वो चालू है, जो स्थायी नेचर के काम हमारे
हमने पूरा हरिद्वार में अंडरग्राउंड केबलिंग कर दिया है। और एक अभी केस कोर्ट में आया था, हाई कोर्ट के अंदर, आपके जो आपने मंदिरों को टेक ओवर करने के लिए सरकार की योजना बनाई थी, चार धाम देवस्थान हाई कोर्ट के अंदर, हाँ बोर्ड बनाया था जो आपने, उसमें आप, मेरे को ये समझ नहीं आता कि सुब्रमण्य स्वामी आपकी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने केस को किया था, पर एक तरफ तो राम भूमि के लिए आपने प्राइवेट ट्रस्ट बनाई, दूसरी तरफ आप ही की अपनी पार्टी सरकार सरकार के अधिकारियों को दे रही है मंदिर का प्रदर्शन, ये कॉन्फ्लिक्ट के आइडिया क्यों नहीं? आप प्रभु जी, स्वामी जी को आप हमसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा नजदीक भी रहते हैं, हम तो देहरादून में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, जानते हैं उनके बारे में, 1974 से जानता हूं मैं उनके बारे में, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन राज्य की मनसा बड़ी क्लियर है, बड़ी साफ है कि हमारे पास लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं ठीक हों, दुरुस्त हों, वो ठीक तरह से दर्शन कर सकें, उनके लिए तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं चाहिए वो उनको ठीक ठाक को मिलती रहे। जो हमारे पुरोहित समाज हैं, जो हमारे पंडा समाज है, उनकी हितों की सुरक्षा, उनके जो हक हकूक हैं वो सुरक्षित रहें, ये सारी व्यवस्थाएं चार धाम देवस्थानम बोर्ड में की गई है, सारी व्यवस्थाएं की गई है। पार्टी का तो यह कि सरकारीकरण होना चाहिए सब, पर मंदिर का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए, यहाँ आपने सरकारीकरण कर दिया ना उनका, इसलिए इसके ऑब्जेक्शन हो रहा है। नहीं देखिए, सरकारीकरण कोई सरकारीकरण नहीं है, केवल प्रबंधन है, और प्रबंधन में भी हमारे वहां के जो पुरोहित हैं उनको भी रखा गया है, प्रबंधन में समाज के भी कुछ लोगों को और रखा गया है, जो धार्मिक व्यक्ति है उनको रखने का, जिनका उन मंदिरों में देवताओं में विश्वास है, ऐसे लोगों को उसमें रखने का प्रावधान है। समय कम आता है, एक दो सवाल छोटे से पूछना, क्योंकि कई बार पार्टी के कार्यकर्ताओं से कभी बात होती है, यहाँ भी होती है, कुछ लोगों को कुछ आप पॉलिटिकल रीजन भी होते होंगे, ऐसा लगता है कि वहां पर आपकी सरकार के ऊपर वो लोग कहते हैं कि बाबूशाही हावी है, वहां पर सरकार जो है त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि अच्छी है, पर बाबू वहां पर सुनते नहीं है, किसी की उन्हीं की चलती है, इसमें कितना सच है? देखिए, तो मैं समझता हूँ कि काम अगर देखा जाए, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, हेल्थ में हमारा रिकॉर्ड काम हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड स्ट्रक्चर में हमारा रिकॉर्ड का, हमको अवार्ड मिला है भारत सरकार की ओर से, हेल्थ में हमको अवार्ड मिले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमको सम्मानित किया गया है, पर्यावरण में हमको अवार्ड मिले हैं भारत सरकार की ओर से, हमारी कैबिनेट के डिसीजन, हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, सारी चीजें, मैं समझता हूँ कि जब कुछ बोलने को नहीं मिलता किसी को, कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, कोई कामों में शिथिलता का आरोप नहीं लगा सकता, व्यवहार पर आरोप नहीं लगा सकता, तो राजनीति में कुछ ना कुछ तो आरोप लगाने के लिए किसी को चाहिए। उनका कारण यह कि मंत्री जी ने, एक मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसके अंदर सेक्रेटरी लोग गए नहीं थे, उनकी इंसल्ट हुई थी, सेक्रेटरी लोग जाते नहीं है, वो परवाह नहीं करते मंत्रियों की। देखिए, ये मैंने अखबार में पढ़ा, मैं उसकी इतना सच्चा है, ये दो दिन पुरानी घटना है, और एक पैरेलल एक मीटिंग और चल रही थी, उन्होंने अपने अपर सचिवों को उसमें भेजा था, सचिव बुलाए गए थे, अपर सचिव वहां पर भेजे गए थे, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी काफी एफिशिएंट है, आपको लगता है? ये सामान्यता कई बार होता है कि सचिव नहीं क्लैश हो जाता है, अपने अपर सचिव को भेज देते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, कुछ लोग करते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग सब लोग ठीक है, करते भी हैं, जानबूझ के अवहेलना करते हैं, लापरवाही करते हैं, आपको लगता है आपकी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल करते हैं कुछ लोग, ब्यूरोक्रेसी आप अच्छा काम कर रही है, आप उनको ठीक किया जा सकता है, और उनको ठीक करने का प्रयास सदैव रहता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी ठीक काम कर रही है सारी वहां पर? देखिए 100% तो मैं कभी नहीं कहूंगा, 100% नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे अधिसंख्य लोग बेहतर काम करें, अच्छा काम। मेरे को एक हमने साहब चावला साहब ने बहुत बार ये सस्पेंड किए हैं, इसी वजह से सस्पेंड किए हैं। मैंने अब ये है कि बोल रहे हैं, बोलना मुझे बाहर में इस बात को मैंने बोला नहीं कभी, हमने एक प्रोग्राम में जो नेशनल प्रोग्राम था वहां पर नहीं पहुंचे, हमने उन लोगों को नोटिस दिया कि आप क्यों नहीं आए, आप क्यों, उन्होंने कहा साहब हमने तो सचिवालय में सम्मिलित हो गए थे, हम यहाँ पर इसलिए नहीं हुए, उन्होंने सॉरी किया, हमको नहीं मालूम था कि हमको दो दो जगह सम्मिलित होना है। कई बार लापरवाही भी होती है, कई बार अनजाने में भी होता है,
राष्ट्रीय ध्वज का प्रोग्राम है तो एक जगह सम्मिलित हो जाता है सरकारी कर्मचारी तो दूसरी जगह नहीं होता, लेकिन हमने उनको कहा नहीं ये सार्वजनिक प्रोग्राम है इसमें सबको आना चाहिए। फिर सब आखिरी सवाल है, टूरिस्ट जो है श्रद्धालु जो वहां का हूँ, मेरे लिए कब मौका मिलेगा कि जाके वहां दर्शन भी कर पाऊंगा या हरिद्वार जाकर के हर की पैड़ी पर स्नान भी कर पाऊंगा? टूरिस्ट कब आएंगे आपके यहाँ? कभी कभी लगता है टूरिस्ट के लिए खुलेगा? देखिए अभी भी प्रभु जी हम लोगों ने एक तो दो लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं उनके लिए हमने ओपन किया है, पूरे देश के लिए जो लोकल लोग हैं उनके लिए हमने सबके लिए ओपन किया है। अभी तो हमने बाकी हमने जिलाधिकारियों को राइट किया है कि आप 500 1500 ऐसे लोगों को, और परमिशन क्या है आपने खाली मैसेज कर देना है और वही मैसेज जो है परमिशन मांगा जाएगा ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे कि व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, इसको कहाँ जाना है। कल हमको ट्रेसिंग की आवश्यकता पड़ी कोई ऐसा पॉजिटिव केस कोई आ गया, या कई बार अभी लोग ट्रैकिंग पे चले गए वहां रास्ता भटक गए, आने के लिए कुछ नहीं था, जेब में एक लाइटर था केवल और मोबाइल फोन था, वहां जब वो भटक गए तो उनका फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। जब वो एक जगह पर आए फोन की बैटरी बैठ गई, उसने बातचीत करने का प्रयास किया, एक मिनट वो ये बता पाया कि हाँ सुरक्षित है हम, और उसकी भी बैटरी बोल गई। एक लाइटर से वो 4 दिन रहे और बर्फ ही बर्फ में रहे केदारनाथ से ऊपर। तो हमारे पास उनका रिकॉर्ड रहना चाहिए कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं, तो फिर हमको खाना कभी रेस्क्यू की जरूरत पड़ी तो रेस्क्यू किया जा सके। जल्दी होगा अगर होगा तो बाकी फैसिलिटीज भी। केदारनाथ आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल, आपने जो अनाउंस किया गैरसैंण जो है आपकी समर कैपिटल होगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बैलेंस कैसे करेंगे इन सब चीजों को कि एक टाइम से दूसरे टाइम से उसको परेशानी तो होगी ना? हाँ निश्चित रूप से होगी, और हमने ये भी सोचा जम्मू कश्मीर का मुझे जानकारी मिली कि वहां पर जब वो ग्रीष्मकालीन वो शिफ्ट होते हैं तो 200 करोड़ रुपया उनका खर्च होता है जी, ये मुझे बताया गया, और इसलिए हमने कहा हमारी जो विधानसभा गैरसैंण की होगी वो ई विधानसभा होगी। अभी भी हमने देहरादून हमारी ई मंत्रिमंडल है, हमारे 16 डिपार्टमेंट हमारे ई ऑफिस हो गए हैं, तो हम एक तो ई गवर्नेंस हम लोग उस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। दूसरी बात वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। कितना अभी हमारे विधायक हॉस्टल वहां पर है, अभी सीएम के लिए विधानसभा अध्यक्ष के लिए गवर्नर के लिए सेक्रेटरीज के लिए विधानसभा भवन वहां पर है, अभी हमने वहां पर एक हॉस्पिटल स्वीकृत किया है, वहां पर अभी हमने एक पानी की उपलब्धि के लिए झील हमने स्वीकृत की है, तो ऐसे वहां पर सब चल रहा है। पुलिस के लिए हमने कुछ क्वार्टर्स वहां पर बनाए हैं जो पुलिस पे रहती है उसके लिए किया है। डबल लेन का हमारा काम भारत सरकार से मेरे भी गडकरी से बात हुई है तो वहां तक डबल लेन हमारी रोड बन जाए, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम क्योंकि वो एनएच में आता है एनएच की रोड है, उन्होंने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं हम आपको पैसा देंगे आप इस पर डीपीआर बनाकर भेजिए। मुख्यमंत्री जी अगले 2-4 महीने में ऐसी 2 विकास के लिए घोषणाएं क्या करने वाले हैं? देखिए मैं घोषणाओं में मैं बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन करके इम्प्लीमेंट करेंगे ना आप घोषणाएं 80% घोषणाएं हमने अभी तक अपनी पूरी की है। जितना हमारा जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था जो 2017 का 85% हमने पूरा कर लिया है। सबसे बड़ी बात अपने प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि देखिए हम आपके प्रति बहुत संवेदनशील हैं, हमारी हर समय दृष्टि आपके ऊपर है और हम क्या आपकी अधिकतम सेवा कर सकते हैं हम उनको करना चाहते हैं। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि कोविड के इस काल में आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, आप हमें सहयोग करें। तो कुछ जो सामान्य नियम है जो आपने भी कहा कि प्रिवेंशन के लिए मास्क लगाना है, हाथ धोना है, दूरी बनाकर रखना है, बार बार हाथ धोना है दूरी बनाकर रखना है, इसका आप पालन करिए। बाकी राज्य सरकार विकास के जो काम हमारे हैं सामने उनको हम अवरुद्ध नहीं होने देंगे। हम इस राज्य में जो बेरोजगारी हुई है 3,27,000 से ज्यादा लोग अभी वापस आए हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों से, उसके लिए हम रोजगार का ढूंढ रहे हैं, हजारों लोगों के लिए हमने अभी योजना बनाई है और लोगों के लिए भी हम योजना बना रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हम चाहेंगे कि आपको हम रोजगार के अवसर देते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आए हमसे बातचीत की।
और आप आगे अच्छा काम करते रहेंगे जैसा आपने घोषणा किया और वहाँ की जनता आपसे खुश होगी। तब तक के लिए हम अभी आपसे बात समाप्त करते हैं, एक बार फिर आपसे।